एक समय की बात है जब लोगों के घरों में बिजलियां नहीं रहती थी। ऐसे में एक गांव था मंदराचल। दो चोर रात का समय देखकर चोरी की फिराक में थे। इन दोनों ने पहले ही कई चोरियां कर रखी थी और अब दूसरी चोरियों में लगे थे। अरे रंगा, क्या हाथ लग गया है आज, जरा देखना तो। सब देख लिया है मैंने, आज बहुत माल हाथ लगा है, पर थोड़ा और होता तो। अब भी मन नहीं भरा इतना चुराने के बाद। क्यों, तुम्हारा मन भर गया क्या? मन तो मेरा भी नहीं भरा, न जाने कब से सोच रहा था कि तुम कहो तो कहीं और भी हाथ मारे। आओ चलो तब, साफ कर दे कोई और घर। चलो कोई बड़ा बकरा पकड़ते हैं। ये तो मुखिया का घर लगता है। हाँ उन्हीं का घर है, और इनसे मालदार इस पूरे गांव में और कोई नहीं है। सही कह रहे हो, चलो यहीं कहीं तिजोरी होनी चाहिए उनकी। तार तैयार करके रखो तिजोरी खोलने के लिए। हाँ सब तैयार है। वो रही तिजोरी, वहाँ देखो। वो लोग तिजोरी के पास जाते हैं। रंगा उस तिजोरी को खोलने लगता है। अरे और कितना समय लगेगा, अभी तक नहीं खुला। अरे भैया तिजोरी है, जूते का फीता नहीं, जो खींचा तो खुल गया, सब्र करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तभी तिजोरी खुल जाती है और रंगा मुस्कुराकर दरवाजा खोलता है। वाह मान गए गुरु, जरा देखो तो, जेवर पैसे सब पड़े हैं यहाँ। हाँ भर लो, सब भर लो, एक नोट छोड़ना बस, ताकि मुखिया के काम आ जाए। धीरे, अब चलो। वो दोनों वहाँ से सारे पैसे भर कर निकल जाते हैं। अगली सुबह होती है और मुखिया उठकर तिजोरी वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि तिजोरी खुली है। अरे भाग्यवान, ये तिजोरी तुमने खोली थी क्या? नहीं मैंने कोई तिजोरी नहीं खोली है, आप ही बंद करना भूल गए होंगे। प्रधान रुक्मणी की बात सुनकर तुरंत तिजोरी देखने चला गया। हे प्रभु ये क्या हुआ, सारा पैसा सोना सब गायब हो गया। प्रधान की आवाज सुनकर रुक्मणी उस कमरे में भागी चली गई। कहाँ गए सारे पैसे, हे भगवान ये क्या बला आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे रुक्मणी, मेरे पूरे जीवन की कमाई बस एक रात में गायब। अजी आप प्रधान हैं, आप ही कुछ करिए, पूरे गांव में इतने दिनों से चोरी हो रही है, लेकिन आपने अब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाला, और अब देखिए हमारे ही घर में चोरी हो गई। मैं मानता हूँ कि समाधान ढूंढने में समय लग रहा है, पर कोशिश नहीं कर रहा क्या? मैं जा रहा हूँ पंचायत बुलाने, इसका कुछ तो करना ही होगा। जाइए और जल्दी से कुछ करिए, यहाँ पर खड़े मत रहिए। प्रधान वहाँ से निकल जाता है और कुछ घंटों बाद गांव की पंचायत एक पेड़ के नीचे लग जाती है। सभी लोग खड़े थे। कल रात मेरे घर में चोरी हुई है, तिजोरी से सारे पैसे लेकर वो चोर भाग गए हैं। मेरे घर में भी चोरी हुई है, कोई पहली चोरी नहीं है, ऐसी कितनी चोरियां हुई पर पंचायत तो नहीं बैठी। हाँ बस इतना कह दिया कि रात तो आएगी ही, तो अंधेरे का क्या कर सकते हैं, ये कहकर लोगों को रफा दफा कर दिया। अब जब खुद पर बीती है तो यहाँ आए हैं पंचायत बिठाने, चलो भाई घर चलो। हाँ चलो, आखिर रात तो आएगी ही, अब इन्हें भी पता चले कि चोरी हो जाती है तो कैसा लगता है। इन्हें लगा कि हम छोटे लोगों के पैसे हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितना इनके लिए इनकी तिजोरी के पैसे। जब रात का कुछ कर पाना तब पंचायत बुलाना। अब प्रधान को उनकी ही बातें याद दिलाकर लच्छू और गांव वाले वहां से निकल पड़े। जब खुद पर बीती तो उन्हें समझ में आया और फिर उन्हें बहुत शर्म आई, जिस कारण उनका मुंह लटका हुआ था। प्रधान वहां से निकलकर अपने खेतों की ओर बढ़ गए। मेरी ही गलती है, लोग सही कह रहे हैं, प्रधान तो बन गया लेकिन गांव के लोगों की दिक्कतों को समझ नहीं पाया और टालता रहा, पर अब पछतावे क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत।
पर अब समाधान करूं भी तो कैसे करूं? तभी प्रधान को खेत के एक बिल में कुछ चमकता दिखाई दिया। ये इस गड्ढे में क्या चमक रहा है? प्रधान गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें एक मणि चमक रही है, और तभी एक नाग गड्ढे के पास आ जाता है। सांप, सांप, अरे बचाओ सांप! शांत हो जाओ बालक, ये सांप बोल रहा है। हाँ, बोलना पड़ रहा है बालक, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। मैं 50 साल का होने वाला हूँ सांप महाराज, आप मुझे बालक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं तो हजारों वर्षों से जीवित हूँ, तो तुम तो बालक ही हुए ना। क्षमा कर दीजिए सांप महाराज, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपकी नागमणि चोरी करने नहीं आया था, ये तो एक गलत फहमी है। वरदान मांगो। वरदान? हाँ, मैं दंड देने नहीं आया हूँ। नागमणि एक मनुष्य की नजर में नहीं आनी चाहिए, इसी कारण तुम कोई वरदान मांगो। ये गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें इसे देखने दिया। वरदान पाते ही तुम मणि के बारे में भूल जाओगे, और तुम्हें सिर्फ वो वरदान और मैं ध्यान में रहूंगा। वरदान? प्रभु, ये तो बड़ा ही हंसी वाला प्रसंग है। यदि ये कुछ दिन पहले हुआ होता तो मैं आपसे हीरे जवाहरात मांगता, लेकिन अब जब मुझे अपने प्रधान होने की जिम्मेदारी का एहसास हो गया है, तो मुझे बस आपसे ये मांगना है कि आप रात में रोशनी कर दें और गांव की चोरियां बंद कर दें। ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, रचयिता ही दे सकते हैं। कुछ और मांगो। नहीं प्रभु, यही वरदान देना है तो दीजिए, मुझे केवल मेरे गांव की समस्याओं का हल चाहिए। ये ठीक है, लेकिन प्रकृति के खिलाफ कोई वरदान देना मेरे बस में नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये बीज देता हूँ, इन्हें तुम इस खेत में बोना। मात्र 1 महीने में तुम्हारे गांव की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद प्रभु। प्रधान बड़ी ही खुशी से गांव लौटकर फिर एक पंचायत बुलाते हैं। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी रात में दिन करने का मार्ग ढूंढ लिया क्या प्रधान जी? अभी तो बस कुछ ही घंटे हुए हैं, अगर यही बात वापस करनी है तो अभी बता दीजिए ताकि हम चले जाएं। नहीं नहीं रुको, मेरी बात तो सुनो। कहिए। मैंने मार्ग ढूंढ लिया है। प्रधान उन सबको सारी बातें बताते हैं। पर उन बीजों को छिड़कने से हमारी रात की समस्या कैसे हल होगी? ये तो हमें कल खेत में जाकर ही पता चलेगा। मैं आग्रह करता हूँ कि कल कृपया मेरे खेत में जरूर आइएगा। सच कहूँ तो मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर फिर भी कल आकर देखते हैं प्रधान जी, आखिर आपकी बात सच है या नहीं। अगले दिन दोपहर में हर कोई अपना काम निपटाकर प्रधान के खेत में पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ पर बड़े बड़े आकार के कद्दू उगे हुए हैं, जिनमें 2 आँखें और 1 मुंह भी बना हुआ है। ये है हमारी समस्या का हल प्रधान जी। हाँ यही है, ध्यान से देखो। अभी उजाला है तो इसमें रोशनी थोड़ी कम है, पर टिमटिमा जरूर रही है। हाँ बात तो सही है, पर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? गांव का हर एक व्यक्ति इन्हें अपने घर ले जाए और गांव के मुख्य रास्तों पर इन्हें खंभों पर लगा दे, ताकि रात में कोई इन्हें चोरी ना कर पाए। आप पर शक करने के लिए हमें क्षमा कीजिएगा प्रधान जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, जब मेरे घर पर चोरी हुई तब मुझे समझ आया कि ये समस्या कितनी गंभीर है। धन्यवाद, अब हम इन्हें अपने घरों में लगा देते हैं। हर कोई वहाँ से कद्दू लेकर जाने लगा और कुछ दिन बीत गए। पूरा गांव अब रात के समय जगमगा रहा था। आज फिर चांदनी रात थी और मंदराचल अपने नए कद्दूओं से टिमटिमा रहा था। तभी 2 नकाबपोश गांव में प्रवेश करते हैं। अरे ये क्या, पूरा गांव ऐसे जगमगा रहा है मानो कि जैसे दिन का समय हो। पर अब हम चोरियां करेंगे कैसे, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। हाँ मुश्किल तो है, पर कोई बात नहीं, सिर्फ उजाला ही तो है, पर लोग तो सो रहे हैं ना। सही कहा भैया, आओ चलो अब हाथ साफ कर दे क्या। हाँ चलो। दोनों आकर
फिर प्रधान के घर में रुकते हैं। लगता है इस प्रधान के पास बहुत पैसा है, तभी तो पूरे गांव में उजाला देने वाले इन कद्दूओं को लगवा दिया इसने। हाँ आओ देखते हैं। दोनों लोग चालाकी से बिना आवाज किए दरवाजा खोलने जाते हैं कि तभी अचानक कद्दू उन दोनों को पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दोनों की चीखें सुनकर लच्छू, मलखान, प्रधान और रुक्मणी कुछ ही पल में वहाँ चले आते हैं। चोर, चोर, चोर। हाय दैया, देखो कैसे भरे उजाले में चोरी करने चले आए हैं ये लोग। हाँ, अच्छा हुआ कि नाग देवता की कृपा से कद्दूओं ने हमें बचा लिया। मालिक माफ कर दो मालिक, अब ऐसा नहीं करेंगे, आपकी पाई पाई चुका देंगे, बस इन कद्दूओं से छुटकारा दिलाइए। हाँ हरदम कद्दूओं को खाया, पर आज लग रहा है कि ये कद्दू हमें ही खा जाएंगे। अच्छा है खा जाए तुम्हें, भागे थे ना तुम, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। दोनों चोर अपनी लालच के चलते पकड़े गए और कद्दूओं की लालटेन की वजह से अब पूरा गांव सुरक्षित हो गया। ये कहानी है प्रेमनगर गांव की। वैसे तो प्रेमनगर गांव खुशनुमा और बहुत ही प्यारा था, गांव में हमेशा शांति बनी रहती। उसी गांव में मंगलू नाम का एक भिखारी रहा करता था, जो आसमान को चादर समझकर और धरती को बिस्तर समझकर कहीं पर भी भूखे पेट सो जाया करता था। ऐसे ही हर सुबह मंगलू मंदिर का प्रसाद खाकर रास्ते और चौराहे पर भीख मांगने निकल जाया करता था। मंगलू का स्वभाव बहुत ही अलग था, दूसरों से भीख लेकर वो अपना पेट न भरता बल्कि उन्हीं पैसों को और अपने साथी भिखारियों को बांट देता। हाय राम, आज तो एक फूटी कोड़ी हाथ नहीं लगी, क्या खाएंगे हम? अब क्या बताऊं काका, मैंने तो आखिरी बार भर पेट खाना कब खाया था मुझे याद ही नहीं। गोपाल और अन्य भिखारी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंगलू आ गया और उनसे कहने लगा। आज तक मैंने तुम सभी भिखारियों को भूखे पेट सोने दिया है क्या? जो आज दूंगा जरा ये देखो मेरे पास क्या है, दही, जलेबी और खूब सारी खिचड़ी। मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू छलक आए, अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या होता आज, ना जाने मैं क्या खाता और कहां जाता, मैं तो भूखा ही मर जाता। अरे ऐसे कैसे परलोक जाओगे, पहले इसी धरती पर स्वर्ग का आनंद ले लो ये खिचड़ी और दही जलेबी खाकर। सारे भिखारियों ने मिलकर जमकर और बड़ी ही चाव से खिचड़ी, दही और जलेबी खाई और सब आराम से सो गए। जैसे ही सुबह हुई, गोपाल काका, रमेश कहाँ हो तुम सब? काका, काका, रमेश कहाँ गए तुम दोनों? अब मैं किसके साथ भीख मांगूंगा? वो दोनों चोर थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया, सुबह सुबह ही पुलिस आई और उन्हें उठाकर ले गई जब तुम गहरी नींद में थे। ये कैसा भद्दा मजाक है, ये आप क्या कह रहे हैं? वो दोनों तो नेक इंसान थे, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मंगलू उन्हें ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और देखा कि दोनों पुलिस के कैद में हैं। उन्हें देखकर मंगलू ने कहा, साहब क्या मैं जान सकता हूं कि आपने इन्हें क्यों कैद करके रखा है? मुझसे तुम ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? हम भिखारी हैं साहब, दुनिया से भले भीख मांगे पर हमारा गिरबान इतना कमजोर नहीं है कि हम चोरी कर लें। बड़ी बोलती निकल रही है तुम्हारी, इंस्पेक्टर साहब आप कहें तो इसे भी अंदर कर दूं। हाँ हाँ कर दो, लेकिन मेरी गलती क्या है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उन हवालदारों ने मंगलू की एक ना सुनी और उसे काल कोठरी में डाल दिया, उसी काल कोठरी में जहाँ गोपाल और रमेश पहले से कैद थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उन लोगों ने मुझे और रमेश को इस जेल में बंद कर दिया, जिस जगह पर हम रात को सोया करते थे उस जगह को एक व्यापारी ने खरीद लिया है, सेठ बिजोरी मल ने। लेकिन इसमें तुम्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? उस रात जब तुमने हमें जलेबियां खिलाई थी ना, तब तब जाकर रमेश ने मंगलू को सारी बात बताई। कुछ भी कहो,
मंगलू है तो बड़ा दानी। हाँ, अब सुबह होते ही उनकी आँख खुलेगी, तब तक उन्हें होश नहीं आएगा। घोड़े बेचकर सोते हैं मंगलू भाई। उतने में वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और कहने लगे, इन भिखारियों को यहाँ से उठवा कर किसी जंगल या रेगिस्तान में छोड़ दो। ये जमीन हमारे गांव के नेता की है और एक शहरी व्यापारी आकर यहाँ पर बड़ा सा मॉल बनाने वाला है। इन भिखारियों की औकात ही क्या है, इन्हें जल्दी भगाना ही पड़ेगा। जब मॉल बनेगा तो मैं भी उस मॉल में अपनी एक दुकान खोलूंगा और ये बुरे काम बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, पहले चलो इन्हें भगाओ। इन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इन्हें हवालात में बंद करा दो। सरदार, यहाँ पर जितने भी भिखारी है ना, उनमें से एक मंगलू है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अच्छा आदमी है, बाकी भिखारियों को हम जेल में डलवा देंगे। हाँ हाँ, ठीक है जल्दी जल्दी करो। उन गुंडों ने मंदिर से कुछ सामान चोरी कर उन भिखारियों के पास रखवा दी और पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत खिलाकर उन्हें कैद में डलवा दिया। अच्छा तो ये बात है, उस रात अगर मैं सोया ना होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती, सब मेरी ही गलती है। मंगलू उन भिखारियों के साथ फूट फूट कर रोने लगा। मत रो मंगलू भाई, हो ना हो ये सब हमारे किसी पाप का नतीजा है। जो भी हो, अब हम बाहर कैसे जाएंगे ये सोचिए। इस जेल में सिर्फ एक बल्ब है जो दिन में भी जलता है और इससे मैं परेशान हूँ। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, सब तोड़ दूंगा जेल के अंदर मैं। उस वक्त रमेश ने एक लकड़ी उठाई और उस जलते हुए बल्ब में दे मारी। उस लकड़ी के प्रभाव से बल्ब फूट गया और उसमें से एक रोशनी निकली। वो रोशनी सारे कैदियों को एक नई दुनिया में लेकर चली गई, जहां उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां पर कई सारे कैदी मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये सारे लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बल्ब की दुनिया कैसे आ गई? तब वहां पर एक बूढ़ा कैदी आ गया और उनसे कहने लगा, आओ आओ मंगलू, तुम आओगे ये हमें भली भांति पता था, पर ये नहीं पता था कि इतनी देर से आओगे। आपको मेरा नाम कैसे पता और आप कौन हैं? ये सब हो क्या रहा है? आप हमारे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? इस बल्ब की दुनिया से जेल बड़ा अच्छा दिखता है। जेल में जितने भी बल्ब हैं सब कैमरा जैसे काम करते हैं। हम यहाँ बैठकर जेल की सारी बातें सुन और देख सकते हैं। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हम भी यहाँ पिछले हफ्ते से कैद हैं। ये ग्रहों का हेर फेर है, जब भी ग्रहों से कोई खेलता है बल्ब का दरवाजा खुल जाता है और ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। इसका एक ही उपाय है। आप सबको बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बताइए क्या करना है? इसके लिए तुम्हें जेल के सारे बल्ब फोड़ने होंगे। इतना कहकर बूढ़ा कैदी उन्हें जादुई बल्ब के पास लेकर चला गया। ये इतना बड़ा बल्ब, इससे हम कैसे आजाद होंगे? इस बल्ब को वही तोड़ सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो और दिल का बड़ा सच्चा हो और दयालु भी हो। ये काम तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। चलो हटो। किसी की ना सुनकर रमेश ने एक लकड़ी उठाई और ना आओ देखा ना ताओ और वो उस बल्ब को फोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन उस जादुई बल्ब का करंट इतनी तेज था कि रमेश की हालत खराब हो गई और उसे जोरदार करंट लगा। अरे बाप रे, अरे भगवान रे, करंट करंट लग गया मुझे। रमेश को इतना जोर का झटका लगा कि सारे डर गए और रमेश दूर खड़ा हो गया। तभी उस विशाल बल्ब से आवाजें आई, प्रकृति के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ये बल्ब बहुत बड़े पुजारी की है जिसने जेल में निर्दोष होकर सजा काटी थी। इस बल्ब को मैं फोड़ूंगा और सबको यहाँ से आजाद करूंगा। इतना कहते ही रमेश के हाथों से लकड़ी लेकर मंगलू उस बल्ब के करीब पहुँच गया और बड़ी जोर से लकड़ी लेकर उस बल्ब पर दे मारा। जैसे ही लकड़ी बल्ब पर लगी वो बल्ब फूट गया और उसमें से कैदी की आत्मा निकली और कहने लगी,
धन्यवाद मंगलू, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमें आजाद किया है। तुम्हारी तरह ही मैं भी बेगुनाह था और मुझे जेल में डाल दिया गया, और मेरे ही श्राप के कारण सारे जेलवासी इस बल्ब की दुनिया में आ गए। लेकिन आपको सबक सिखाना ही था, तो उन्हें सिखाना था ना जिन्होंने ये पाप किया, ना कि निर्दोष कैदियों को। इसके पीछे का कारण ये है कि मैं तुम्हें ये बल्ब देना चाहता था। इस बल्ब से तुम असली दुनिया में जाकर जो चाहे वो कर सकते हो। उस आत्मा ने मंगलू को एक बल्ब दी और उसके बाद वो आत्मा वहाँ से गायब हो गया और सारे ही दोबारा जेल में आ गए। तब मंगलू ने कहा, हमें एकजुट होकर रहना होगा, इस जेल से निकलना ही होगा। इतना कहकर मंगलू ने उस बल्ब को होल्डर पर लगा दिया और बल्ब जलने लगा। जैसे ही बल्ब जला, सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये देखो, जेल की सारी सलाखें खुल चुकी हैं। हमें यहाँ से अब भागना चाहिए। सही कहा रमेश बेटा तुमने, चलो जल्दी चलो। सारे कैदी जेल से भाग रहे थे, तब उन्होंने देखा कि सारे घूसखोर पुलिस वाले एक तरफ एक बड़ी से जेल में कैद हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रमेश, मंगलू और गोपाल काका वहाँ से फरार हो गए। इन्हें छोड़कर यहाँ से निकल चलो, वरना दूसरी विपदा आन पड़ेगी। मंगलू और उसके साथी भिखारी वहाँ से भागकर दोबारा उसी मंदिर के पास आ गए जहाँ सारा कारनामा हुआ था। उन्होंने वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा नेता वहाँ अपने गुंडों को लेकर खड़ा है। अब तुम सब कहाँ भागोगे? इस जगह पर हम एक नया मॉल बनाने वाले हैं। मुझे पहले से पता था कि आप सब इस जगह के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये जमीन ना तो आपकी है और ना ही सरकार की। इतना कहते ही मंगलू ने अपने झोले से जादुई बल्ब को निकाला और उस बल्ब को जमीन पर रख दिया। जैसे ही बल्ब जमीन पर रखी गई, जादुई बल्ब एक बल्ब रेस्टोरेंट में परिवर्तित हो गई। सारे भिखारी ये मंजर देखकर दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? ये बल्ब के आकार का रेस्टोरेंट कहाँ से आ गया? जवानों, जाओ और इस रेस्टोरेंट को तोड़ डालो। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए। जी सरदार, ऐसा ही होगा। जैसे ही गुंडे उस बल्ब के रेस्टोरेंट को तोड़ने गए, उन्हें एक जोरदार बिजली का झटका लगा। तुम सबसे कुछ नहीं होने वाला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर नेताजी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बल्ब रेस्टोरेंट पर दे मारा। जैसे ही पत्थर उस बल्ब रेस्टोरेंट पर पड़ा, वहाँ तेज हवाएं चलने लगी और बिजली के तेज झटके से नेताजी बल्ब में कैद हो गए। नेताजी के बल्ब में कैद होते ही आत्मा प्रकट हुई। वो आत्मा उसी जेल के कैदी की थी जो कि बेगुनाह था। इसी पापी के कारण बेगुनाह होकर भी मैं जेल में कैद था, लेकिन अब और नहीं, अब इसका अंजाम बुरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मंगलू, तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण। ये बल्ब रेस्टोरेंट है, अब से तुम सब इसी में काम करोगे। ये जमीन तुम सब के नाम पर होगी। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई और सारे भिखारी उस बल्ब रेस्टोरेंट में मेहनत से काम करने लगे और अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लगे।